फ्रेश हर्ब्स का सेवन हार्ट के लिए गुड माना जाता है और ब्लड शुगर को रोकने में मदद कर सकता है। यह ब्लड क्लॉट्स को कम करने और एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ट्यूमर गुण प्रदान करने में भी मदद कर सकता है। ब्लैक बीन्स हार्ट को स्वस्थ रखने वाले पोषक तत्वों से भरपूर होता है। फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर दोनों के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। आप शराब पीते हैं तो थोड़ी सी रेड वाइन दिल के लिए स्वस्थ विकल्प हो सकता है। रेस्वेराट्रोल और कैटेचिन रेड वाइन में दो एंटीऑक्सीडेंट ब्लड आर्टरी की रक्षा करता है। शराब एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। सैमन फिश, इस फिश को हार्ट के लिए बहुत हेल्थी माना गया है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 काफी मात्रा होता है। ये एक हेल्थी फैट है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। सैल्मन की तुलना में अक्सर सस्ता टूना में ओमेगा 3 भी होता है। अल्बाकोर यानी सफेद टूना में अन्य टूना की तुलना में अधिक ओमेगा 3 होता है। टूना स्टेक को नींबू के साथ ग्रिल करने से इससे फिश टेस्टी होती है। ये ऑयल एक हेल्दी फैट है जो ऑलिव को स्मैश करके पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा होता है। ये आपके ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दिन में एक मुट्ठी अखरोट आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। यह आपके हार्ट की आर्टरीज में सूजन से भी बचा सकता है। अखरोट ओमेगा 3 से भरे होते हैं। हेल्दी फैट्स जिन्हें मोनोअनसैचुरेटेड फैट कहा जाता है, प्लांट स्टेरोल और फाइबर से भरे होते हैं। टोफू खाओ और आपको हार्ट हेल्दी खनिज, फाइबर और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट के साथ वेजिटेरियन सोया प्रोटीन का एक बड़ा फॉर्म मिलेगा। यह उन मसालों या सॉस का स्वाद ले सकता है जिनका उपयोग आप इसे कुकिंग के लिए करते हैं। चावल के बजाय इस अनाज को ट्राई करें। आप जौ को सूप और स्टॉच में भी बना सकते हैं। जौ में मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। यह ब्लड शुगर के लेवल को भी कम करता है। ओटमील की एक गर्म कटोरी आपको घंटों भर एनर्जी देती है और समय के साथ ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है। यह शुगर वाले लोगों के लिए भी उपयोगी है। ओट्स फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करके आपके हार्ट को हेल्थी रखने में मदद करता है। इस शाइनी हनी कलर के बीज में 3 चीजें हैं जो आपके दिल के लिए अच्छी हैं। फाइबर, फाइटोकेमिकल्स जिन्हें लिग्नान्स कहा जाता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड। जब आप डेयरी खाद्य पदार्थों के बारे में सोचते हैं तो आप शायद सोचते हैं मेरी हड्डियों के लिए अच्छा हो। ये फूड्स हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। दही में कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा भी अधिक होती है। मीठी चेरी, खट्टी चेरी, सूखी चेरी और चेरी का रस वाला गुड सभी एंथोसायनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। वे ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करते हैं। ग्रीन्स आर फुल ऑफ विटामिन और खनिजों से भरे हुए हैं। इनमें नाइट्रेट भी हाई होता है, एक पदार्थ जो ब्लड वेसल्स को खोलने में मदद करता है ताकि ऑक्सीजन युक्त ब्लड आपके हाथ तक पहुंच सके। कटे हुए बादाम सब्जियों, मछली, चिकन और मिठाइयों के साथ अच्छे लगते हैं। दे हैव प्लांट स्टेरोल्स, फाइबर और हार्ट हेल्दी फैट्स। बादाम खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो ब्लूबेरी ब्रिलियंट होती है। ब्लूबेरी हैज एंथोसायनिन दोस ब्लड वेसल्स हेल्पिंग एंटीऑक्सीडेंट। वे एंटीऑक्सीडेंट ब्लूबेरी को उनका गहरा नीला रंग देते हैं। ब्लूबेरी में फाइबर भी होता है और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। मीठे और रसीले ऑरेंज में कोलेस्ट्रॉल से लड़ने वाले फाइबर पेक्टिन होते हैं। इनमें पोटेशियम भी होता है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। अपने डेली डाइट में स्वीट पोटैटो को शामिल करने से आपके शरीर की विटामिन और खनिजों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है जो आई साइट में सुधार करने, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के स्तर को रिड्यूस करने और स्ट्रोक के रिस्क को कम करने में मदद करता है। सोया प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। एक कप एदमामे में 8 ग्राम हार्ट हेल्दी फाइबर भी होता है। होल व्हीट ब्रेड से इतना अधिक फाइबर प्राप्त करने के लिए आपको लगभग 4 स्लाइस खाने होंगे। गार्लिक, कुछ अध्ययनों से पता चला है कि लहसुन और लहसुन की सप्लीमेंट सेल डैमेजिंग को रोकने, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और ब्लड प्रेशर को कम करके हार्ट हेल्थ पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कुछ मार्जरीन्स, सोया दूध, बादाम के दूध और संतरे के जूस में कोलेस्ट्रॉल से लड़ने वाले स्टेरोल और स्टैनोल मिलाए जाते हैं। ये पौधे के अर्क आपके गट्स को कोलेस्ट्रॉल को सोखने से रोकते हैं। वे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को विदाउट मेसिंग किए बिना एलडीएल के स्तर को 10% तक कम कर सकते हैं।